माय नेम इज प्रांशु एंड नाउ आई एम स्टडिंग इन ITI ट्रेड स्टील फैब्रिकेटर। ओके, मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे ट्रेड में जो कर रहा हूँ मेरे को तो अपने हिसाब से सही लगती है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम बहुत सारा मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि आप जानते हो जो सरकार ने SC OBC की जो बना रखी है सब सिस्टम बेकार है। जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो तो देखो पीछे रहता है मेरी तरह, और जो बेचारा जो नकल मार लाता बंदा नंबर नंबर वो सारे कहाँ चलाते हैं सिविल लाइन में, जिन्हें कुछ लिखना नहीं आता नाम, तो वो तो मेरी अलग प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इसके बाद एक बात और कहना चाहूँगा कि जो मेरे को प्लेसमेंट की दिक्कत सबसे बड़ी, तो कि आइडिया तो मैं कर लूँगा इसके बाद मैं जाऊँगा कहाँ, क्योंकि मेरी ट्रेड की किसी प्रकार की प्लेसमेंट की कोई कंपनी मतलब कोई जुड़ी नहीं है हमसे, तो इसलिए हमको क्या है ITI करने के बाद हमको बाहर भटकना पड़ेगा इधर से उधर। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ITI के जो मतलब प्लेसमेंट ऑफिसर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के साथ अपना क्या कहते हैं रिलेशन बनाना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य बन सके, सिक्योर हो सके। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है प्लेसमेंट हमारे लिए, हम करके जाएंगे। फ्रेशर को तो आप जानते हो जहाँ तक कोई नहीं लेता है, हमेशा क्या मानते हैं आपके पास क्या है कितना मतलब एक्सपीरियंस है, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम फ्रेशर हैं। तो ITI को उसके बारे में सोचना चाहिए और कंपनियों को अपने साथ जोड़ना चाहिए, ताकि हमारी प्लेसमेंट हो सके कहीं ना कहीं अच्छी जगह। थैंक यू।